हेलो दोस्तों, सो आई एम सॉरी इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रात को मेरा कोई मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैंने अभी श्वेता गंगवार का जो चैनल है गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, उस पर एक वीडियो देख ली। टू ऑल यूट्यूबर्स, आई नीड योर हेल्प। एंड दोस्तों, ये वो इंसान है ना, जब शुरू में मेरे को कभी एक टाइम पर बहुत हेल्पफुल इंसाइट की ज़रूरत थी, मैंने इसका चैनल देखा था एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल। एंड हाँ, मानता हूँ मैं इसके हर ओपिनियन से अपना ओपिनियन मैच नहीं करता हूँ, कई जगह बहुत डिफर करता है, बट ये इंसान उनमें से वन ऑफ दोज पीपल है जो इंटेलेक्चुअली बहुत हेल्पफुल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इस इंसान ने बहुत लोगों की मदद की है, आप लोग जानते ही हो ये कौन इंसान है, मोस्ट प्रॉबली आप जानते होंगे। एंड प्रॉबली इसने बहुत लोगों को डायरेक्शन दी है एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को इसने प्लेटफॉर्म दिया है, इवन उस इंसान को भी जिसने आज इसके ऊपर 2 करोड़ का डेफोमेशन केस डाला है। ना दोस्तों, इसने अपनी वीडियो में एक बात कही है सबके लिए आज, कि चाहे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो ना, कोई किसी को कैसे भी रोस्ट कर रहा हो, ठीक है, उस रोस्ट के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला इंसान डेफोमेशन केस डाल दे। ये एक अनसेट रूल है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का। एंड तुम देख लो कितने से कितने बड़े बड़े रोस्ट हुए हैं, बीफ्स हुए हैं, कितना कुछ हुआ है। तुम लोग जब अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो यूट्यूब पे, तुम्हारे पास राइट एक है, फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है। जब तुम्हारे पास वो चीज़ है, तभी तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, हर जगह नहीं कर सकते ना। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम कर पाते हो, ओपनली तुम्हें एक फ्रीडम मिलती है ब्रॉडकास्ट करने की। इसीलिए मैं ये वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, यार मेरे मन में भी कुछ ओपिनियंस होते हैं। बट आज ये चीज़ देख के ना सोचने को आ रहा है कि यार इतने बड़े क्रिएटर को इतने वल्नरेबल टाइम पे, क्योंकि आज श्वेता की ना लाइफ में बहुत वल्नरेबिलिटीज है। उसकी मॉम जो है वो कैंसर से डायग्नोस्ड है, एक बहुत हार्ड टाइम से जा रहा है वो इंसान। उसकी बेटी जो है छोटी सी, वो भी बहुत बीमार है। एंड इस टाइम पे उसका सो कॉल्ड ओल्ड फ्रेंड, जिसको उसने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, श्वेता उसके लिए एक तरह का गॉडफादर था, ठीक है, वो इंसान आज अपने ईगो ट्रिप पे गया है। एक कंट्रोवर्सी में अपने आप को इतना महान क्या समझ बैठा है कि श्वेता ने हल्की सी सच्चाई के सामने रखी अपने चैनल पे, वो इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया एंड उसने डेफामेशन केस डाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसी इंसान की वजह से वो इंसान बना है। श्वेता ने उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एक टाइम अपना भाई बोला है, ठीक है। एंड श्वेताब की गलती है, श्वेताब बेचारा सिंपली अपने आप को इस जो भी कंट्रोवर्सी रही उससे बाहर रखना चाहता था। एट दैट गाय जस्ट केप्ट ऑन पुलिंग हिम बैक इन दैट कंट्रोवर्सी, कि श्वेताब ने मुझे ये मैसेज भेजा, श्वेताब ने मुझे ये चैट भेजा है, ऐसा भेजा है, वैसा भेजा है। एंड जैन जब बिल्कुल एक सिर से पानी ऊपर चला जाता है, श्वेताब ने अपना ओपिनियन रखा सामने कि भाई मैंने जब इसको कुछ ऐसा भेजा था, इसको बोला था कि अपने तक पर्सनल रख, इसने वो नहीं रखा, इसने बार बार मुझे इस कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया एंड काफ़ी तरीके से प्रॉपरली एक्सपोज किया था जब श्वेता आपने, तो इसके ईगो को इतना हर्ट हो गया कि इस इंसान ने कहा नहीं भाई, अब मैं प्रॉपरली इसको बताता हूँ। बेसिकली ना इसका ईगो हर्ट हुआ है जहाँ तक मुझे समझ आती है। एंड मैं ये मैसेज इस एक्स वाई जेड इंसान को भी बोलना चाहता हूँ कि ब्रो, कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम अपने अंदर ही डिल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो कि श्वेताब तुम्हें डिफेम करना चाहता है, तुमने डिफेमेशन केस डाल दिया, या वो इंसान जो है तुम उससे लड़ना चाहते हो। यार प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। एक इंसान जो अपनी लाइफ में आगे ही इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी मॉम को कैंसर है, ठीक है, उसकी बच्ची बहुत बीमार है, यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में सूट नहीं हो रहा उसको, इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी, एंड तुम उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाल के उसको और इमोशनली डैमेज कर रहे हो। वो बेचारा स्क्रीन पे इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया यार। एंड सेकंड चीज़ जो आती है ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हो ना, एंड इवन जो कंज्यूमर्स हैं, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हो ना यूट्यूब, तो आज खड़े हो, स्टैंड लो इस इंसान के साथ, क्योंकि ऐसे लोगों की आवाज़ अगर बंद हो गई ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी। आज ये बंदा डेफामेशन केस डाल रहा है, कल किसी और को अपने पावर के नशे में ना ज़रा सा भी बोलेगा कि यार मेरे बारे में किसी ने बात कैसे कर ली, वो भी डेफामेशन केस डाल देगा। एंड यार श्वेताब तो चलो फिर भी एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, उसके पास प्लेटफॉर्म है, हो सकता है वो मैनेज कर ले। छोटे क्रिएटर्स का क्या होगा, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि भाई वो अपने
घर का अगला बिल कैसे पे करना है, बेसिक बिल्स कैसे पे करने हैं वो सोच, ठीक है, इन चीज़ों को सोच के चलो और आवाज़ उठाओ, नहीं तो कल को हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिस्टोपिया आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच वेस्टर्न साइड तो छीनी जा रही है, एंड यहाँ पे भी एक तरह से कोई ना कोई तरीका लोगों को मिल जाएगा। बस इस मूवमेंट को स्टार्ट मत होने दो, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ, श्वेताब के साथ खड़े हो, बिकॉज अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई ना तो आज उसकी रोज़ी रोटी नहीं जा रही, आज हर एक यूट्यूबर की रोज़ी रोटी जाएगी जो अपना वो बहुत कंटेंट में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, साथ में तुम्हें भी कोई कंटेंट क्वालिटी का नहीं मिलने वाला, एक रोबोटिक कंटेंट मिलेगा जिसमें हर बंदा ना पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहा होगा। एंड पॉलिटिकली करेक्ट बातें ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कभी भी यूएस के चैनल्स देख लेना, कितने प्रॉपरली वो कैसे बातें कर रहे होते हैं, ज़रा बच बच के ऐसे ऐसे करके। तो उस तरह की बातें अगर तुम्हें चाहिए तब जाके ना आज अपना मुँह बंद कर लो, क्योंकि अगर आज हमने अपना मुँह बंद कर लिया तो ऐसे इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा और लोग डेफामेशन केस फाइल करेंगे। सो प्लीज़ रेज योर वॉइस। अगर आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट ही बना लो, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दो, स्टोरी डाल दो, ट्वीट डाल दो, जो करना करो, बट स्टैंड विद श्वेताब गंगवार। दिस इज हाई टाइम गाइस, जस्ट स्टैंड विद दिस गाय। इतनी सी बात कहना चाहता था, एंड बस वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ, एंड जस्ट स्टैंड विद दिस गाय, दैट्स ऑल।